Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely good. So if you're new to my YouTube channel, so my name is Ritu and you're watching of course my YouTube video. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने हेयर्स के लिए। एंड अगर मेरे को कोई पूछता भी है कि बालों के लिए हम लोग के लिए सो बालों के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो मैं उसको ये चीज़ हमेशा रिकमेंड करती हूँ, चाहे वो मेरी मम्मी हो। तो मम्मी को भी मैं बोलती हूँ कि ये वाला बहुत अच्छा चीज़ होता है अपने हेयर्स के लिए। और मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोज़ मैंने हेयर केयर वीडियोज़ मैंने शेयर किया है जहाँ पर मैंने ये इंग्रेडिएंट को मैंने यूज़ भी करा है एंड अप्लाई भी करा है। एंड आप लोगों के साथ मैंने उस चीज़ की वीडियो भी उस चीज़ की बेनिफिट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। फर्दर डिले लेट्स गो ऑन टू द वीडियो, बट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अनियन हेयर केयर रेंज फ्रॉम द ब्रांड वाओ। तो वाओ एक इंडियन वाओ स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है। एंड गाइस, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। एंड गाइस, वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कोई भी तरह का पैराबेंस नहीं होता है, सिलिकॉन नहीं होता है, मिनरल ऑयल नहीं होता है। एंड गाइस, ये जो प्रोडक्ट्स होता है ना, ये एकदम एकदम नेचुरली बनते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ जो हेयर केयर रेंज शेयर करने वाली हूँ वो है अनियन हेयर केयर रेंज फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। सो गाइज, यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड दैट इज बी वाओसम 20 टू गेट एक्स्ट्रा ऑफर्स। सो गाइज, मैं आप लोगों के साथ एकदम मेरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है अनियन हेयर ऑयल के बारे में। सो जो वाओ स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, गाइज ये जो ऑयल है मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं अप्लाई भी कर रही हूँ। आपको इस हेयर ऑयल के रिगार्डिंग अपना खुद का एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि अप्रॉक्स 1 मंथ हो चुका है ये पूरे अनियन हेयर रेंज को मैं अप्लाई करती हूँ। तो एक फ़र्क अगर मैं नोटिस कर रही हूँ अपने हेयर्स के ऊपर कि मेरा जो हेयर है ना वो पहले के मुताबिक अभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पहले मेरे बहुत हेयर फॉल्स भी होते रहते थे। सच्ची में बताऊँ तो आफ्टर यूजिंग दीज अनियन हेयर केयर रेंज मेरी जो हेयर मेरी जो हेयर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है, ठीक है। और इसकी और गाइस, इस अनियन हेयर ऑयल में ना जो इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक इसमें ब्लैक सीड है। ब्लैक सीड ना आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो अनियन है, अनियन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स। लाइक मैं अनियन की एक लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा दूँगी कि आप अनियंस कितने अच्छे होते हैं आपके हेयर्स के लिए, ठीक है। ऑयल नेक्स्ट, इसमें कोकोनट ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। और तो ये जितने भी ऑयल्स हैं ना, ये सारे ऑयल्स ना आपके जो हेयर्स होते हैं ना, आपके हेयर्स की नरिशमेंट, आपके स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है। एंड प्लस जो आपके हेयर्स को शाइन, स्मूथ एंड प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता है आपके हेयर्स के लिए। तो मुझे ये पर्सनली ये ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ना उसमें आपको ये ना QR कोड दिखाई देगा, देख रहे हो, देखो QR कोड दिखाई देगा। अगर आप इसको स्कैन करते हो ना तो आपको इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता चल जाता है। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में ये है, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइज, अगर मैं इस ऑयल की MRP की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़। एंड ये एक स्प्रे बॉटल में आपको ये रिसीव होता है एंड क्वालिटी बहुत अच्छा है बॉटल की। सो शैम्पू कंडीशनर की भी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक सीड ऑयल एंड अनियन। एंड गाइज,
आपको यू नो शैम्पू के अगर इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे यू नो प्रो विटामिन B5 की भी एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, जो कि आपके हेयर्स के लिए यू नो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हेयर को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. सो विटामिन B5 इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर्स. एंड गाइज, दिस शैम्पू इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर pH लेवल ऑफ योर हेयर. एंड गाइज, ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है इसमें यू नो एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये बना हुआ है. प्लस गाइज, मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था कि वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, एंड इसमें कोई भी तरह का पैराबेंस नहीं होता है, सिलिकॉन नहीं होता है, मिनरल ऑयल नहीं होता है. एंड वाओ का एक बहुत अच्छा मोटिव है जो है बी वाओ नेचुरली. तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इनका जो माइंड थॉट है, इनका जो थॉट होता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं. सो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड प्लस गाइज, इसका जो मेन क्लेम है वो है हेल्प स्ट्रेंथन सॉफ्ट एंड रिस्टोर शाइन. तो मैंने आप लोगों के साथ मैंने पहले बोला हुआ है कि मैं इस पूरे हेयर रेंज को मैं अप्रॉक्स 1 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी मुझे महसूस हुआ है. मेरे जो हेयर्स है ना वो पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, एंड घना जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा हेयर्स में वॉल्यूम आना वो भी मुझे फील हुआ है कि मेरे हेयर्स पे आया हुआ है. एंड ऐसा एकदम भी नहीं है कि मैं यू नो रिव्यू कर रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं, मैं एकदम सच सच बता रही हूँ. बिकॉज मेरे चैनल पे मैं जितने भी प्रोडक्ट्स की रिव्यू करती हूँ वो मैं ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ, एंड उसके बाद ही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आता है वो नहीं पसंद आता है, जो चीज़ मेरे को पसंद आता है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है. तो ये हेयर केयर रेंज बेस्ट है, सीरियसली बेस्ट है. द MRP ऑफ दिस शैम्पू इज़ गाइज 499 rupees. गाइज, यहाँ पर मैंने QR कोड ऑयल का मैंने बताया था, तो आपको शैम्पू के पास भी, शैम्पू वाले बॉटल में भी आपको एक स्कैनर कोड मिल जाएगा, जिसको आप अगेन स्कैन करते हो तो आपको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता चल जाता है. गाइज, आप देख सकते हो बॉटल पैकेजिंग, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में है. एंड आपको ये कुछ इस टाइप का यू नो रिसीव होता है पैकेजिंग. एंड कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये जेल टाइप कंसिस्टेंसी में आपको आता है, लाइक ट्रांसपेरेंट, देख रहे हो, जी हाँ, एकदम जेल टाइप आपको ये कंसिस्टेंसी में आता है. एंड गाइज, द नेट वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 300 ml. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द कंडीशनर, तो कंडीशनर में भी अगेन आपको एक स्कैनर कोड मिल जाता है, जिसको अगर आप स्कैन करते हो तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी आपको पता चल जाता है. मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे इसका रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल मेन इंग्रेडिएंट है. एंड गाइस, ये भी आपके हेयर्स को यू नो शाइन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, एंड हेयर्स को सॉफ्ट बनाता है. सो एक और क्वेश्चन होगा, मिथ होगा कि अनियन है, अगर हम लोग हेयर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो अनियन का स्मेल आएगा, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, अनियन का एकदम भी स्मेल नहीं आता है. एंड प्लस ये गाइस आपके हेयर्स को ना यू नो रफ भी नहीं बनाता है, इवन अनियन है एंड यू नो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक अनियन, ब्लैक सीड ऑयल एंड यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो भी आपके हेयर्स को यू नो एकदम ही रफ नहीं बनाएगा, आपके हेयर्स को यू नो नेचुरल से शाइन प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट लुक प्रोवाइड करता है. एंड गाइज, एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपकी अनियन इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर्स. एंड आई गेस कि इस इतने अच्छे रेंज में अगर आपको यू नो ऑयल शैम्पू कंडीशनर मिल जाता है तो इट्स अ वेरी अमेजिंग डील फॉर एवरीवन. एंड या So guys, the brand has a green hands initiative where they send a pouch of seeds with every product brought from the website to encourage people to go green. So guys, that's it for today's video. I hope you all enjoyed this review. So make sure my channel ko like, subscribe and share zarur karna. And guys, I will highly recommend this product to everyone. Jiske bhi you know hairs damage ho chuke hai. So definitely purchase this product and give life to your hairs. So yeah, milte hain mere next video pe. Tab tak ke liye bye, take care and see you in my next video.